याद दिलाती है कि जीवित रहना कितना बड़ा उपकार है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी शिक्षिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं अक्षिता और मैं सिया कक्षा 10वीं फ की छात्राएं अथर्व सदन की ओर से आप सभी के समक्ष आज का विषय प्रस्तुत करने आए हैं। और आज का विषय है तितलियों का जीवन चक्र एक प्रेरणा। एक तितली को जन्म लेने के लिए कई चरणों में से होकर गुजरना पड़ता है। एक तितली का जन्म सबसे पहले एक अंडे के रूप में होता है। किसी भी पौधे के नीचे की सतह पर तितली अंडे देती है। कुछ दिनों के पश्चात उन अंडों में से एक छोटा सा कीट बाहर आता है जिसे लार्वा कहा जाता है। बाद में लार्वा के चारों ओर एक बड़ा सा खोल बन जाता है जिसे प्यूपा कहते हैं। और अंत में प्यूपा के टूटने के बाद उसमें से एक नन्ही और सुंदर से तितली का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन चक्र तथा एक तितली के जीवन चक्र में भी बहुत सी समानताएं हैं। जब हम किसी नए शुरुआत को करने से डरते हैं या जीवन के किसी काल में बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं, जैसे विद्यार्थियों के परीक्षा में असफल होना या कामकाजी आदमी के नौकरी में हानि होना, तब हम भी शून्य पे होते हैं, वैसे ही जैसे तितली का एक अंडा होता है। तब जब यह निश्चित नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा, एक तितली ना एक अंडे से एक कैटरपिलर तक बढ़ती है, फिर एक कोकून और अंत में एक तितली। यह जीवन चक्र हमें यह प्रेरणा देती है कि आप बहुत अधिक अंधकार से होकर गुजर सकते हैं। यदि आप खुद को अकेलेपन में फंसा हुआ पाते हैं और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, याद रखें यह उस जगह के समान है जहां कैटरपिलर अपने पंख बढ़ाने के लिए जाते हैं। देखा जाए तो तितलियों और इंसानों में बहुत सी समानता है। तितलियां अपनी पंख नहीं देख पाती, वे नहीं देख पाती कि वास्तव में वे कितने सुंदर है, लेकिन बाकी सभी लोग देख सकते हैं। दरअसल लोग भी ऐसे ही होते हैं। उपसंहार में हम यह कहेंगे कि अतीत को जाने दो, भविष्य पर भरोसा करो, परिवर्तन को गले लगाओ, कोकुन से बाहर आओ, अपने पंख खोलो, जमीन पर उतरने का साहस करो, हवाओं की सवारी करो, फूलों का स्वाद लो, अपने सबसे चमकीले रंग पहनो, अपनी सुंदरता पहचानो और दिखने दो। आशा करते हैं आपको हमारी इस प्रस्तुति से कुछ प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Wow, so inspiring and motivational message. That is delivered by Akshita and Shia of class 10F and subsequent